डायनासोर जो कि हमारी धरती से विलुप्त हो चुके हैं, पर एक समय था जब इन डायनासोर का धरती पर राज हुआ करता था। उनमें से कुछ डायनासोर शाकाहारी और कुछ डायनासोर मांसाहारी भी थे, कुछ शांत प्रिय तो कुछ हिंसक थे। इन डायनासोर ने 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। डायनासोर की कई हजार प्रजातियां पाई जाती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ? डायनासोर हमारी धरती से कैसे विलुप्त हो गए? ये जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और जानते हैं उन दिनों ऐसा क्या हुआ था। तो आइए चलते हैं आज से 6,50,00,000 साल पीछे, यानी आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले। उस दिन मौसम खुला हुआ था, चारों ओर हरियाली फैली हुई थी, सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी और डायनासोर की आवाज़ें गूंज रही थी। ये सभी डायनासोर धरती पर अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तब उन्हें नहीं पता था कि उनका अंत अब नज़दीक आ रहा है। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्ट्रॉइड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल जाती है और वह क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। तब एस्ट्रॉइड पृथ्वी से 384,000 दूरी पर था। तब शायद धरती से डायनासोर का अंत न होता यदि वह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन इनकी नियति पहले ही लिखी जा चुकी थी। तब यह बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से बिल्कुल नज़दीक से गुजरा। 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्ट्रॉइड 2 ट्रिलियन मीट्रिक टन का था, जो प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। ये एस्ट्रॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार 71,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण के वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। इतनी रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वह उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव का विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था, इसके टकराते ही धरती की लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। लगभग 16 मिनट 40 सेकंड के बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपी तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी।
भूकंपी तरंगे ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 8 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच निकले, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गए थे, वह ग्रेविटेशन पुल के कारण ठीक 40 मिनट के बाद आग के गोले के रूप में पूरी धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंच पाना असंभव हो गया था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती के कुल 90% प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो गई थी, और जो 10% जीव धरती पर बच गए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी। इसके कारण जो भी जीव बच गए थे, उन्हें ठीक से खाना पीना न मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजाति का सुनहरा अवसर लेकर आया। वह प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कहां से और कैसे आए, ये जानने ये हम अगले वीडियो में। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।